بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <applause> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها वकुल्ला बिदातिनारहतरम भाइयों तजारत के और खरीदने बेचने के मसायल ये आपके सामने पेश हो रहे हैं जैसा पिछले दर्श में आपसे वादा किया था कि खरीदने और बेचने की एक शक्ल ऐसी भी है कि जिसमें खरीदने वाला या बेचने वाला कोई कंडीशन लगा देता है कोई शर्त लगा देता है तो अगर बेचने वाले ने ऐसी शर्त लगा दी है जिसका ताल्लुक उस सामान के मनफात से है यानी आदमी जो सामान खरीद रहा है जिस मकसद के लिए खरीद रहा है अरबी जबान में उसको मबी कहते हैं यानी खरीदे हुए सामान का जो बेनिफिट है जो फायदा है उसी के बारे में कंडीशन लगा दे अगर बेचने वाला तो चूंकि खरीदने का असल मकसद ही होता है कि ख़रीदने वाला उससे फ़ायदा उठाए जिस सामान को ख़रीदा है उससे फ़ायदा उठाए जो भी उस सामान के मुनफात होती है यानी जिस मकसद के लिए उसे ख़रीदा जाता है उस मकसद के लिए उसका इस्तेमाल और उसमें उसको फ़ायदा उठाना अगर इसी चीज़ के ताल्लुक़ से कोई कंडीशन आ जाती है तो इसके बारे में एक मसला है कि क्या इस तरह की कंडीशन के साथ किसी सामान का बेचना किसी सामान का खरीदना ये जायज़ होगा या नहीं तो आज का मसला आपके सामने यही है इस सिलसिले की एक बड़ी मशहूर हदीस है मैं मसला पेश करने से पहले यह चाहता हूं कि आपके सामने वो हदीस पेश करें बड़ी दिलचस्प हदीस भी है थोड़ी लंबी भी है सही है इनकी हदीस है ये बड़ी मशहूर बड़ा मशहूर वाक़ है ये इस्लामी तारीख़ का उस जो है मशहूर वाक़े से मुतल ये हदीस है जिसमें और भी बहुत से मसाइल हैं निकाह के ताल्लुक से भी उसमें मसाइल मौजूद हैं हमारे समाज और सोसाइटी से तल्लक़ के तल्ल से भी मसायल मौजूद हैं इस दवाजी ज़िंदगी से भी उसमें जो है ताल्लुक रखने वाले मसाइल मौजूद है यहाँ जो मेन मसला है उसके अंदर वो यही है कि खरीदना बेचना और उसके साथ कोई कंडीशन रख देना ऐसी कंडीशन जिसका हो उस सामान से है बेचने वाले या बेचे गए उस सामान से है तो ऐसी सूरत में क्या इस तरह का खरीदना बेचना जायज हो सकता है कि नहीं यहां जो सूरतें होती हैं उसकी वजह यह होती है ना कि ऐसी कंडीशन से झगड़े का इम्कान हो सकता है और ये बार मैं बात बा, ये बात जो है मैं बार बार आपके सामने जिक्र करता रहा हूं कि हम जब अहादीस पढ़ते हैं लेन देन के मसाइल की अदीज़ तो ऐसी तमाम शक्लें जिसमें झगड़े का इम्कान बहुत बढ़ जाता है और कहीं झगड़े का सबब न बन जाए तो उन शक्लों को उन सूरतों को हदीसों में हराम करार दिया गया है हालांकि उसमें और कोई चीज़ नहीं रहती है यानी वो सामान फिनअप से ही ना हराम होता है और ना ही उस खरीदने बेचने में जो शर्तें होती हैं जो शर्तें ज़रूरी है शरीयत के अंदर जो लागू होती हैं कंडीशंस जो लागू होते हैं उसमें कहीं कुछ कमी नहीं रहती है लेकिन बस एक डर सा रहता है कि कहीं ये इख्तिलाफ का आपस में लड़ाई झगड़े का सबब ना बन जाए तो बहुत फूंक फूंक करके कदम रखा है शरीयत ने इन मसाइल के ताल्लुक से और ऐसी तमाम शक्लें जहां पर झगड़े का कुछ थोड़ा सा भी एहतमाल रहता है कि यह इम्कान रहता है कि ऐसा हो सकता है तो शरीयत ने पहले ही उस चीज़ को हराम करार दे करके उस रास्ते को बंद कर दिया इससे आपको यह भी अंदाज़ा हो रहा होगा जो हदीसें आपके सामने पहले गुजर चुकी हैं जो आगे भी आएंगी इससे आपको ये बखूबी अंदाजा भी हो जाएगा कि इस्लाम आपसी अख्तिलाफ और आपसी झगड़े को कितना नापसंद करता है और इस्लाम में इतिहाद और इतफ़ाक़ की अहमियत क्या है कहीं भाइयों के दरमियान मुसलमानों के दरमियान इंसानों के दरमियान लेन देन को लेकर के कोई इख्तलाफ ना हो जाए कोई झगड़ा ना हो जाए तो ये बड़ी जो है अहम चीज है जिसको हमें जहन में रखना चाहिए तो मैं पहले वो हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ हदीस हमारा तरीका चूंकि यही है फिक्र के ताल्लुक से कि हम पहले हदीस बयान करते हैं और हदीस की रोशनी में ही जो इख्लाफ होता है फ्कहा का उसे भी बयान करते हैं और हदीस की रोशनी में ही सही बात क्या है सही मसला क्या है उसको पेश करते हैं हम पहले फीर अकवाल से अपने दिमाग को भरते नहीं हैं बाद में हदीसें नहीं पढ़ते बल्कि हम हदीस पहले पढ़ते हैं तो जाबिर रजील्ल्ला जो बड़े मशहूर सहाबी है उनको अच्छी तरह से जहन में बैठा लीजिएगा इस हदीस को समझने के लिए जाबिर तह की सीरत को भी थोड़ा जहन में हमको रखना पड़ता है तो जाबिर तहु कहते कि वो अपने एक ऊंट पर सवार थे और अपने ऊंट पर चले जा रहे थे अल्लाह के रसूल वसल्लम सफर में थे और सफर से वापसी का ये वाक है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है जाबिर रजी अल्लाह सफर से वापसी में मदीने से करीब पहुंच रहे होते हैं ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द घर पहुंच जाए और ये भी बड़ा अजीब सा मसला है आपको भी शायद इसका तजुर्बा हुआ हो लेकिन ये मैं आपको बयान कर रहा हूँ ये इंसानी फितरत है कुछ अजीब सी चीजें हैं इंसानों से जुड़ी हुई हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई इनको भी जो है जहन में रखा कीजिए मैं ये सब बातें भी दर्श में बयान कर दिया करता हूँ कि जब आपको किसी काम की बड़ी जल्दी होती है तो उसी वक्त खाम खा वो जो है थोड़ा बहुत आदमी देर यानी जो भी काम करने जाता है ना तो खाम खा उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे आदमी लेट होने लगता है उसी दिन वो सारी चीजें होने लगती हैं वरना वो आम तरीके से नहीं होती रहती है लेकिन उस दिन जो है वो चीजें या उस वक्त वो चीजें होती रहती है कभी हम घड़ी देखते हैं कि टाइम बड़ा कम है नमाज को जाना है मिसाल के तौर पर जल्दी से निकले कहीं जो है रकात छूट ना जाए तो जो है कमीज पहनने जाते हैं तो हमेशा ही पहनते हैं कमीज लेकिन उस वक्त जब कमीज पहनते हैं जब जो है हम अपना पैजामा पहनते हैं ना तो खामखा की थोड़ी देर होती रहती है या देर नहीं भी होती है तो हमारे अंदर की जो जल्दी है यानी जल्दी पहुंचने की जो ख्वाहिश है उससे लगता है कि शायद हम को जो है थोड़ा ये हाथ अंदर जाने में आस्तीन के या पैर को जो है ट्राउजर के या कह लीजिए कि पायजामे के जो ये उसके अंदर जो है पैर डालने में थोड़ी बहुत इधर से उधर जो है चीजें हो रही है जल्दी बटन नहीं लग रहा है ये नहीं हो रहा है तो ऐसा महसूस होता रहता है कि जब हमें किसी चीज की जल्दी होती है तो वहां जब हम जल्दी के चक्कर में पड़ते हैं तो ये भी एहसास रहता है कि ये खाम खा की कुछ चीजें हो जा रही जिससे ताखिर हो रही तो जाबिर अदी अल्लाह तापसी के सफर में थे बेचारे नए शादी शुदा यानी जो आप कहते हैं ना कि आज में के जबान में कि अभी नई नई शादी हुई है तो कह लीजिए कि अभी दुल्हा मैरिज जिसे आज की जबान में आप कह लेते हैं कि वो अब नई नई शादी हुई हो नई नई से मतलब ये नहीं होता है कि बस अभी शादी करके आ रहे हैं अभी जो है साल दो साल तक अभी नए ही माने जाते हैं तो अब ऐसी सूरत में ख्वाहिश क्या होती है आदमी की सफर में था अपनी बीवी से दूर था तो जल्द अज जल्द घर पहुंचने की ख्वाहिश होती है ये शादीशुदा जोड़ों के ताल्लुक से आपके सामने पेश कर रहा हूँ कुछ चीज़ें पेश कर दू कुछ चीजें जो मैंने कहा था आपसे कि निकाह के मसायल से भी जुड़ी हुई चीजें हैं और हमारी इस दिवाजी जिंदगी से भी यानी मैरिज लाइफ जो होती है उससे भी इसका ताल्लुक है तो वो चीजें भी बीच बीच में मैं पेश कर दूंगा हालांकि आज जो मसला है वो लेन देन का है तिजारती लेन देन का है लेकिन जब हदीसें पढ़ते हैं वो चीजें होती है तो वो सब चीजें बयान करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हमारा तो ये दर्श है हम तो फायदे के लिए ही ना बयान करते हैं तो ये हर एक की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है ख्वाहिश तो होती है ना जब घर में अच्छी सी बीवी हो इंतज़ार कर रही हो तो दिल तो मचलता है कि किस तरह से हमें पर लग जाए और उड़ करके हम जल्दी अपने घर पहुंच जाए ये ख्वाहिश तो रहती है और बेचारे उस वक्त जाबिर जाविर हो अभी शादी को भी दिन ज़्यादा नहीं गुजरे थे मतलब ये कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था अब वापसी है तो वापसी में तो वैसे भी जो गैर शादीशुदा होते हैं अपने घर वालों से मिलने की खुशी में भी आदमी चाहता है कि जल्दी घर पहुंच जाए तो आप सोचिए कि एक वो शख्स जिसकी शादी हुई हो और घर में बीवी इंतजार कर रही हो और वो भी शादी भी अभी जल्द ही हुई है और नई नवेली दुल्हन नई नवेली बीवी कहले दुल्हन के बजाय वो इंतजार में हो तो कितना शौक होगा कि जल्द अज जल्द घर पहुंच जाए उस पूरी जो है ये पूरा तस्वर आप लाइएगा ना तो यह आपको समझ में आएगी अब मसला क्या हुआ उस वक्त जब ये चाह तो ये रहते कि जल्द अज जल्द पहुंच जाए कहा आदमी की खाश की पर लग जाए और हम सिकंडो में घर में हो जा जो है पहुंच जाए और कहा यह कि इनका ये ऊट तेजी से भाग ही नहीं रहा था हो सकता है क्योंकि इसी ऊंट पर तो ये गए भी थे ना सफर में यही ऊंट उनके पास था भी तो वही ऊंट अपनी उसी रफ्तार से चल रहा हो यह ऊंट लेकिन जाविर रजी अल्लाह के दिल में मचलने वाली वो ख्वाहिश है जो जल्द अज जल्द घर पहुंचने की तमन्ना लिए हुए वो आर्जु में उन्हें लग रहा है कि शायद ये बहुत देर कर रहा है ये ऊट और जल्द अज जल्द हमें पहुंचना चाहिए लेकिन ये ऊँट उतनी तेज चल नहीं रहा है उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था उस वक्त जैसे ये ऊँट बिल्कुल थका मादा और जैसा भागना चाहिए ऊँट को वैसा भाग नहीं रहा है कोशिश तो आदमी करता है ना ऐसे मौके पर कि जरा जो है ऊँट को तेज भगाने के लिए कुछ ना कुछ जो है जो कचोके लगाते रहते हैं ऊँट चलाने वाले या जानवरों की पीठ पर सवारी करने वाले जो करते रहते हैं तो उन्होंने भी किया होगा जाहिर सी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से फुजर होता है ऐसे वक्त में जब आदमी को कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो तो कभी आप तस्वर कीजिएगा आप जो है टू व्हीलर वगैरह के ताल्लुक से या फोर व्हीलर के ताल्लुक से आप जो चलाते होंगे तो आपको इसका सही अंदाजा भी होगा कि जब बड़ी जल्दी होती है तो गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती जो गाड़ी हमेशा स्टार्ट होती थी वो जल्दी स्टार्ट ही नहीं हो रही क्योंकि जल्दी बहुत है किक मार रहे हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है जल्दी में आदमी है जब जल्दी में होता है तो इस तरह की चीजें होती रहती है जहा रजी अल्लाह हो जब ऐसी सूरत होती है ना कहीं आप रास्ते में गाड़ी पे हो और आपकी गाड़ी आपको बहुत सका रही हो और आपको कहीं पहुंचने की जल्दी हो तो यकीनन आपके दिल में यह ख्याल जरूर आता होगा कि अगर कोई कौड़ी के भाव भी इसको लेना चाहे तो इसको दे करके मैं अपनी जान छोड़ा लू बल्कि ये भी ख्याल आ सकता है कि कोई मुफ्त भी ले ले तो जान तो छूट जाए इससे किसी तरह से तो इसको दे करके मैं अपनी जान छोड़ा लू इस तरह के ख्याल आते रहते हैं साहब कराम का मसला ये था कि ये लोग दिल के बड़े पक्के बड़े सच्चे और इनकी एक बड़ी खूबी ये थी बड़ी सादगी थी इनकी कि दिल में जो बात होती थी वो जबान से जिक्र भी कर देते थे हमारा तो हाल ये होता है कि दिल में कुछ और होता है जबान से कुछ और कहते हैं और से बड़ा प्यार झलकता है दिल में नफ़रत और अदावत की जो है शोले जो है भड़कते रहते हैं लेकिन हम लोगों का मामला अलग होता है तो उन्होंने बाकायदा ये बात जिक्र की है रिवायतों में ये अल्फाज मौजूद है वो कहते हैं ये बात है। की इतना जो है वो परेशान हो गए थे कि वो तो यही सोच रहे थे कि अगर कोई कौड़ी के दाम भी कुछ भी दे करके इसे खरीदे तो मैं फौरन बेच और ये पूरी कैफियत इसके साथ जाबिर रजी जाते हैं और प्यारे नबी वसल्लम वहां उनके पीछे आ जाते अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को उनकी उस दिली कैफियत का अंदाजा भी होता है और आपको एहसास भी होता है कि बहुत जल्दी जाना चाहते हैं यानी आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो ऊंट के साथ इनका मामला चल रहा है इनकी सवारी है वो सवारी के साथ चल रहा है ना तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वो मसला भी है कि ये जल्दी पहुंचना चाहते हैं और ऊंट इस सिलसिले में जो पहले से भी ऐसे ही रहा है ऐसा नहीं है कि इसी वक्त ऊंट ने कुछ शरारत कर दी है तो ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन इनके इस वक्त के मकसद के लिहाज से ऊंट इनका पूरे तरीके से साथ नहीं दे पा रहा है अल्लाह के रसूल वसल्लम को एहसास होता है आप रसूल हैं, आप नबी हैं आपके हाथों से मुजसे ज़ाहिर होते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी दुआएं और आपके हाथ की बरकतें यह हर किसी को मालूम है कि किस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी को देख करके और ऐसे साथी जिनसे अल्लाह के रसूल वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे मोहब्बत करने की वजह ये थी कि इनके वालिद यानी सारे सहाबा से भी करते थे लेकिन ये कुछ ज्यादा लगाव की बात मैं कर रहा हूँ कि इनके वालिद वाले वहद में शहीद हो गए थे तो बहुत सी हदीसों में इनके ताल्लुक से कुछ चीजें हैं जो बताती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका कितना ख्याल रखते थे तो एक ऐसे सहाबी जिनके वालिद गजवए वहद में शहीद हुए थे और इस दीन के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी तो जो दीन के लिए कुर्बानियां देते हैं उनके बच्चों का भी जाहिर सी बात है कि जिन्होंने इस दीन के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया हो तो उनके बच्चों का ख्याल तो रहना भी चाहिए वैसे भी आप समझ सकते हैं वैसे तो आजकल की हुकूमतें भी जो है ऐसे लोगों का बड़ा ख्याल करती हैं ये तो प्यारे नबी वसल्लम मामला था आपने बड़ा ख्याल किया इनकी जिंदगी में इसका बड़ा लिहाज रखा यहां पर भी आपने देखा महसूस किया और इनके जल्दी जाने की जो है वजह भी पूछी वो बाद में जो है मैं उसको जिक्र करना चाह रहा था लेकिन अंदाजा हो गया था कि ये जल्दी जाना चाहते और इसी वजह से ये सारा मामला हो रहा है लेकिन उससे पहले मैं वो बात बयान कर दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ से ज़ाहिर होने वाला वो मौजा अल्लाह के हुक्म से जब उसी ऊंट को अल्लाह के रसूल वसल्लम का चौका लगाते हैं और देखते हैं मुड़ करके जाबिर रजी अल्लाह तो तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत होती है तो यही ऊंट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मजुसे से और इस बरकत से इतना तेज भागने लगता है जिससे बहुत आजिज आ चुके थे जाबिर और जिनके दिल में यह ख्याल आ रहा था कि कौड़ी के दाम भी कोई लेना चाहे तो मैं इसे बेच दू कहते हैं कि अब मुझे तो उसकी लगाम पकड़ करके उसको रोकना पड़ रहा है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लम से और आगे निकलना चाह रहा है इतना तेज भाग रहा है उस मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं उनसे उनसे कहते हैं कि जाबिर बेनी ही क्या कहते हैं है ये सब चीजें कब हुई हैं मालूम मैंने अभी कहा आपसे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली हुई दुआ आपके हाथ का जादू नहीं कह सकता वही लफ्ज़ निकलता रहता है लेकिन हम दूसरों के लिए बोलते हैं ना लफ्ज़ आपके हाथ से जाहिर होने वाला मुआजा आप कहते हैं नबी से जो चीज़ जाहिर होती है अल्लाह के हुक्म से वो एक मोजा होता है वही अल्लाह के रसूल सलम ने अपने हाथ से जब उसको जरब लगाई और उसके नतीजे में आपकी दुआ के नतीजे में जब ये ऊंट भागा तेजी से भाग रहा है तो कहते हैं जावेद रवी अल्ला से कि बेनी है अरबी में हम क्या कहते हैं बेअनी है। भाई इसे मुझे बेच दो इसे मुझे बेच दो अब यहां सौदेबाजी शुरू हो गई अगर ये लफ्ज आपको थोड़ा गवारा हो जाए तो और जो है ज्यादा गिरा ना गुजरे शायद अल्फाज कुछ ज्यादा मुश्किल हो जा रहे हैं आज मैं थोड़ा और आसान कर दे रहा हूं जाविर तहिर सी बात है कि अब ये घोड़ा जब ये जो है ऊंट जब बहुत तेजी से भागने लगा अभी तक तो उनके दिल में ख्याल ये आ रहा था कि कौड़ी के दाम पर भी कोई ले इसे यानी बिल्कुल मामूली कीमत देकर के भी कोई ले मामूली से मामूली कीमत लगाए तो बेच करके इससे जान छोड़ा ले वही ऊंट है जब अल्लाह के रसूल सल्लम कहते हैं कि बेअनी ही तो उस वक्त जाबिर रजी अल्लाह सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कर उनका जाहिर सी बात है कि वही उनके पास सवारी है और उसको अब तो मसला भी खत्म हो गया ना अब तो ये ऊंट बड़ी तेजी से भाग रहा है अब उनको क्या चाहिए यही ना चाहिए अब उनको बड़ा जो है उस वक्त ये होता है दिल में सोचते हैं कि जवाब क्या दे जवाब किस चीज का चाहिए मुझे बेच दो यानी अल्लाह के रसूल की तरफ से ये बात है कि ये ऊन उन्हें बेच दो आप मांग रहे हैं कीमत जो है कीमत का जिक्र जो भी हो अभी तक तो नहीं आया है तो अभी उसमें रिवायतों में काफ़ी इख्तिला है कि उस ऊंट की कीमत क्या रखी गई थी इसीलिए मैं कीमत का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि उसमें से किसी एक रिवायत चूंकि ये सारी जो है रिवायतें सही हैं इनके अंदर और उसमें भी कीमतों का जिक्र अलग अलग है और इस पूरे वाक्य में जो मसाइल है पूरी हदीस में उसका ताल्लुक कीमत से कुछ नहीं तो उसका जानना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अल्लाह के रसूल रसुल ने कहा दो मुझे लाओ जो है ये ऊंट मुझे दे दो जा भी एक तरफ अल्लाह के रसूल रसुल का हम हुक्म नहीं कहेंगे याद रखिएगा इसको ये हुक्म नहीं कहा जाता है जो लेन देन के मसाइल होते हैं ना तो यहां अल्लाह के रसूल सल्म जो हुक्म देते हैं शरीयत के जो अहकाम होते हैं जहाँ ये मसला होता है कि अती व अतीसूल अल्लाह और उसके रसूल की इतद का जहाँ मामला होता है वो शरीयत के अहकाम से इसका ताल्लुक नहीं है ये तो आपसी लेन देन से इसका ताल्लुक है यहाँ सामने वाले को पूरा इख्तियार होगा वो मालिक है वो चाहे तो बेचे और चाहे तो ना बेचे जाविर रबी अल्लाह सोच में पड़ते जरूर है लेकिन आप सोच सकते हैं कि क्या वो ये कह सकते हैं कि नहीं अल्लाह के रसूल मैं आपको नहीं बेच सकता क्या इस तरह की बात कह सकते हैं क्योंकि यही ऊंट अभी चंद मिनट पहले का क्या हाल था और अभी अल्लाह के रसूल सल्म की दुआओं की बरकत और आपके हाथ से ज़ाहिर होने वाले मोज़े से इसका हाल क्या है वो सब जानते हैं जाबिर रजी अल्लाह का आलान हो अल्लाह के रसूल ख्वाहिश करें उसे खरीदने की और जाबिर की मज़ाल हो कि वो इनकार कर दे ये सोचा नहीं जा सकता मेरे भाइयों तो जाबिर रजी अल्लाह का आलान हो कहते हैं ठीक है, है साहब हमने तो आपको बेच दिया लेकिन हमारी एक कंडीशन है यही आज का मसला असल यही है उन्होंने एक कंडीशन लगा दी बेचने के साथ साथ तो अगर इस तरह की कंडीशन लगाता है बेचने वाला तो क्या उस तरह की कंडीशन के साथ ये खरीदना बेचना जायज होगा कंडीशन क्या लगा दी कंडीशन ये लगाई कि मैं इसी ऊंट पर सवारी करके जैसे मैं सवार हूँ ऐसे ही ये ऊंट मैं इस पर सवार हो करके इसी हालत में अपने घर जाऊँगा और घर जा करके के मैं आपको इसके आपको ये ऊंट आपके हवाले करूँगा ये शर्त लगा दी ये कंडीशन लगा दी अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम का मकसद असल ऊँट को खरीदना नहीं था वो आगे हदीस के अल्फाज से बात आपके सामने आ जाएगी तो कभी कभी हम किसी के साथ कुछ जो है लेन देन का बात भी कर लेते हैं असल मकसद खरीदना नहीं होता है कुछ और भी हो सकता है तो मैं वो बातें भी आपके सामने जिक्र करूंगा लेन देन के ये मसाइल है इस तरह की चीजें हमको सीखी हमको सीखना चाहिए हमको पता भी होना चाहिए कभी हम रास्ते से गुजरते हैं तो ऐसा बहुत हुआ और ऐसा करना भी चाहिए मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूँ ताकि आप भी कभी देखें तो आप भी कर जब देखते हैं कि कोई शख्स है जो कुछ सामान बेच रहा है रास्ते में आदमी बड़ा मजबूर भी है परेशान भी है बड़ा कमजोर भी है इस उम्र में वो काम करते हुए वो अच्छा नहीं लगता है लेकिन हर एक की अपनी इज्जत नफ्स होती है सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं वो नहीं चाहता कि किसी के सामने हाथ फैलाए और कोई और शख्स उसकी मदद करे या हाथ ना भी फैलाए तो कोई शख्स उसकी मदद करे वो नहीं चाहता तो क्या होता है ऐसी सूरत में कि आप उसको कहें नहीं भाई तुम क्यों ये सब जो है इतना सब कर रहे हो घर में बैठो हम तुमको महीने महीने पैसा दे देंगे दे। ये करने के बजाय आप उसकी उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बाकी रहने दीजिए और सामान खरीद लीजिए ना उससे नहीं जरूरत है हमको उस सामान की कोई जरूरत नहीं मकसद सिर्फ उसकी मदद करना और उसी नियत से सामान खरीद लीजिए कोई बात नहीं आज हम लोगों का हाल क्या है मैं आपको बता दूं कि जाएंगे बड़े बड़े होटलों में आराम से लंच करेंगे डिनर करेंगे बड़े बड़े होटल जहां के जो बेरे होते हैं यानी जो खाना वगैरह सर्व करते हैं तो बड़ी सी बिल भी अदा करते हैं और साथ में एक अच्छी सी टिप भी उसको दे करके आते हैं और बड़े शौक से करते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके पेट पहले से भरे होते और हम पास गरीबों को जो इस तरह से कहीं रास्ते में दो पैसे कमा करके अपना पेट पालना चाहते हैं तो हम उनके पास से सामान खरीदने में शायद कहीं जिल्लत महसूस करते हैं अपनी और उसकी वजह से हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम उनके पास से खरीदें। ये सोचने की बात है इसलिए बीच में पेश कर दे रहा हूँ आप नहीं मेरे भाइयों मेरी बहनों हमें क्या करना चाहिए जरूरत नहीं है तब भी उसे खरीद एक माजूर शख्स मजबूर नहीं कहूंगा माजूर जो हैंडी जिसे आजकल कहते हैं देख रहे हैं कि वो शख्स कुछ बेच रहा अब वो जो है माजूर है हैंडी कैप है या जो है फिजिकली जो आजकल कहा जाता है कि वो शख्स काम नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत नफ्स को साथ में रखते हुए कुछ बेच रहा है कहीं कोई चीज जो है वो लोगों शायद फुटपाथ पर हो किसी और चीज पर हो खरीद लो उससे चाहे ज़रूरत ना हो किसी गरीब मिस्किन को दे देना हो लेकिन उसकी मदद की नीयत से उसे खरीद लो उसके पास से और इस खरीदने से उसकी इज्जत नफ्स को ठेस भी नहीं पहुंचती आदमी इज्जत की रोजी रोटी कमाता है और साथ में उसकी मदद भी हो जाती तो ये है इस हदीस से ये चीज़ सीखने की इसलिए मैंने ये बात पेश कर दी आपके सामने तो ऐसा रास्ते में गुजरते हुए हमको कोई चीज़ नजर आती तो हम कर लेते हैं ऐसा उनको जरूरत नहीं होती फिर भी खरीद लेते हैं इसकी ऐसे लोगों को जो मस्जिदों के बाहर या रास्तों में जो लोग भीख मांगते रहते हैं उनको देने के बजाय ऐसे लोगों की मदद करने को हम तरजीह देते हैं अल्लाह के रसूल ने जो है ये पूरी जो खरीदने और बेचने का जो मसला चल रहा है इसमें असल मकसद खरीदना नहीं है अल्लाह के रसूल वसल्लम को उनके ऊंट की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन आपने उनसे कहा कि बेच दो मुझे। उन्होंने जैसे आम तरीके से ऐसे मौके पर किया जाता है उन्होंने कहा कि ठीक है साहब हम बेच तो देंगे लेकिन क्या चाहिए हमको बेचने के साथ साथ हमको चाहिए कि हम इसी पर बैठ करके मदीने तक जाएंगे जब बेच दिया तो क्या होता है कि जिस सामान को आपने बेचा है ना वो सामान आपको खरीदने वाले के हवाले करना पड़ता है जिसे कहते हैं तो यही असल तो है खरीदने बेचने में असल चीज ये होती है तो उसको जानते हैं जाबर कि अभी मैंने बेच दिया तो अभी आपको ये मुझे ऊंट जो है आपके हवाले करना होगा तो मसला यह कि जाएंगे कैसे मदीना वो उनके सामने जो है सवाल था उन्होंने उसको सामने रखते हुए ये शर्त लगाई कंडीशन लगाई कि मैं बेच रहा हूँ आपको मैं बेच दूंगा आपको मैंने बेच दिया आपको लेकिन क्या है मेरी कंडीशन कि मैं इसी पर सवार होकर के मदीने तक जाऊंगा आपको सामान मिलेगा ये यानी ये ऊट हम आपके हवाले करेंगे मदीना पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंडीशन को मान लिया शर्त को मान लिया क्योंकि वैसे भी मैंने आपसे कहा कि मकसद तो यही था कि उनकी मदद करना है वैसे भी अगर वो दे भी देते हों, तब भी अल्लाह के रसूल रसूलम जाहिर सी बात है कि इनको लेकर के ही मदीना जाएंगे इनको छोड़ के रास्ते में तो मदीना नहीं जाएंगे ना वैसे वैसे भी उनको सवारी पर पीछे बैठाना ही पड़ेगा या कहीं न कहीं से तो उनके लिए सवारी का इंतजाम करना पड़ेगा अल्लाह के रसूल कायद हैं लीडर हैं आप जो है अमीर हैं आप हाकिम हैं आप रसूल हैं आप नबी हैं आपकी पूरी जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी को आप अच्छी तरह से अदा करते हैं तो आपका एक जो है फौजी रास्ते में ऐसे ही छोड़ के तो आप नहीं चले जाएंगे वो तो, तो वैसे भी चीज समझ में आती है लेकिन इसके बावजूद ये कंडीशन लगा ये अपने आप में हमें एक मसला बताता है उसे नोट कर लीजिए वो क्या है कि आपके साथ जिस जिसके साथ भी आपकी डील हो रही है आप जिसके साथ भी कोई मामला कर रहे हैं तो सामने वाला अपने मर्तबे के लिहाज से चाहे जिस ऊंचे मनसब पर भी हो लेकिन जब आप मामला कर रहे हैं तो मामला की नज़ाकतों को समझते हुए पूरे तरीके से हर चीज़ को क्लियर कर दिया जाए वाजह कर दिया जाए ये ना सोचा जाए कि ये तो इतने बड़े आलिम हैं इतने बड़े शेख हैं इनसे हम हम क्या कहें इनसे हम क्या मोल भाव करें इनसे हम क्या जो है कोई कंडीशन रखें इनसे तो किसी तरह के धोखे की कोई उम्मीद है नहीं आम तरीके से हमारे लोग इस तरह से सोचते हैं और बाद में जब मसला हो जाता है तो आते हैं साथ में मसला लेकर के ऐसा हो गया क्या करना है बैठ करके हल कीजिए मेरे सामने ऐसे बड़े मसाइल आ चुके हैं जो मुख्तलिफ़मा से ताल्लुक रखते थे यानी जो मामला जो हुए थे किसी आलिम या किसी शेख से हुए थे और मामला करने वाले ने इसीलिए उस वक्त ज़्यादा ख्याल नहीं किया जो चीज़ें होनी चाहिए जो चीज़ें रिटर्न में आनी चाहिए थी वो सब नहीं हुई वो सब ख्याल कर लिया बाद में इख्तिला हुआ तो अब जो है वो फैसले के लिए चाहते हैं कि ये फैसला कर तो इस हदीस से हमें वो चीज़ सीखने की है कि जाबिर उन्हें यकीन ये एहसास रहा होगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है आपकी जो सीरत है जो एक खुली किताब की तरह उनके सामने मौजूद है उससे तो अंदाजा उनको है कि आप उनको ऐसे ही रास्ते में छोड़ के नहीं चले जाएंगे लेकर के ही जाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये कंडीशन रखी फर्क दोनों में क्या होगा जरा एक और पहलू से भी सोचिए बड़े मसाइल होते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं हदीसों में हमें नोट करनी होती है छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें नोट करनी होती हैं नोट कर लिया कीजिए तो इसे बड़े फवायद भी हदीस के हासिल होते हैं बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है तो क्या चीज है वो वो तो मसला क्या है कि उन्होंने ये कंडीशन लगा दी दोनों में फर्क क्या रहेगा आप सोचिए आप कि अगर वो ना भी लगाते तो अल्लाह के वसल्लम उनको लेकर के चाहे उसी ऊंट पर सवार या अपने साथ बैठा करके या किसी भी सहाबी के साथ उनको पीछे बैठा करके उनको लेकर के जाते आप लेकिन उस वक्त उन्हें दूसरे का एहसान लेना पड़ा वो इज्जत नफ्स सेल्फ रिस्पेक्ट हर कोई नहीं चाहता कि किसी का भी एहसान लेता फिर ये एहसान होता तो एहसान होगा लेकिन अगर ये अपने ही ऊंट पर जाएंगे और जो बेचा है उसके साथ ये कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन लगाने से वो किसी का एहसान नहीं ले रहे हैं बल्कि अपने ऊंट पर वो अब ऊंट को बेच जरूर दिया है लेकिन ये ऊंट को कब वापस करेंगे जब ये मदीना पहुंच जाएंगे कब देंगे जब ये मदीना पहुंच जाएंगे ये भी याद रखिएगा मैं एक चीज और भी जिक्र करूंगा अभी तो इसमें क्या है कि ये वो अपनी ही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी किसी का एहसान नहीं है क्योंकि ये तो कंडीशन बेचने और खरीदने में कंडीशन है ना ये अगर शक्ल ये होती कि तआला तालों ने कहा कि ठीक है मैंने बेच दिया अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कहा मुझे बेच दो और आपने कहा ठीक है मैंने बेच दिया अब उसके बाद क्या होगा फिर कहा कि कोई कंडीशन नहीं है कहा बेच दिया बस खत्म फिर उसके बाद ये कि अब तो मैं जा नहीं पाऊंगा लेकिन मेरी दरखास्त आपसे एक तरह से मुझे उधार दे दीजिए मैं मदीना पहुंच करके आपको वापस कर दूंगा ऐसा होता है इसको अरबी में इस्टार जो कहा जाता है यानी किसी से कोई चीज उधार में लिया उधार जो है सवारी भी हो सकती है ना किसी दूसरे की गाड़ी आपने लिया कि मुझे किस काम से जाना है अभी मैं जा करके वापस कर दूंगा आपको गाड़ी तो ऐसे तो जायज है और कोई हरज की बात नहीं है तो वो भी कर सकते थे तो उस वक्त क्या हुआ बेचना खरीदना मुकम्मल हो गया अब एक तरह से उन्होंने दरख्वास्त की मुझे अपनी ये सवारी आप दे दीजिए अल्लाह के रसूल मदीना पहुंच करके मैं आपके हवाले कर दूंगा तो भी एक एहसान होता आप जब किसी से कोई चीज उधार देते हैं उससे फायदा उठा करके फिर उसे वापस कर देते हैं तो उस शख्स का आपके ऊपर एक एहसान होता है लेकिन यहां जब खरीदो फरोख्त के अंदर ही यानी ये बेचने और खरीदने का जो मामला हुआ इसी के अंदर जब कंडीशन लगा है ना तो कोई एहसान नहीं है बल्कि क्या है ये मुकम्मल डील ही उसी वक्त होगी जब वो पहुंच जाएंगे और उस वक्त हवाले करेंगे तब ये मुकम्मल ये डील मुकम्मल मानी जाएगी अल्लाह के रसूल रसुल ने शर्त को फौरन कबूल कर लिया कबूल तो करना ही था आपको तो आपने जो है उनकी वो कंडीशन जो है कबूल कर ली अब जब सारा मामला हो गया हो गया और ये जा रहे अब बड़ा बड़ी तेजी के साथ जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे महसूस किया था तो आपने एक सवाल भी कर दिया उनसे वही अंदाज की जो है इतनी जल्दी क्या है क्यों इतनी जल्दी आप मदीना जाना चाह रहे बेचारे ऊंट को आप जो है बार-बार जो है ज़र्ब लगा रहे हैं मार रहे हैं कि जल्दी-जल्दी चले और ये चल नहीं रहा था तो ऐसा क्यों हो गया था तो उन्होंने कहा कि मैंने शादी कर ली है वो पूरी हदीस यही है उन्होंने कहा कि मैंने शादी कर दी है अब जब उन्होंने ये कहा कि मैंने शादी कर ली अल्लाह के रसूल वसल्लम के सवाल करने से पहले एक बात आपसे कहता हूं कि इससे यह भी पता चलता है कि सहाबे के राम अपनी शादियों में अपने निकाह में मदीने की वो आबादी जो बहुत बड़ी नहीं थी जहा हर एक दूसरे के साथ शरीक होता था उस आबादी में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत लोग आपको भी नहीं बुलाते वो चीज सीखने की है मेरे कई हदीसें हैं इस तरह की मैं बार बार उसको बयान करता हूँ ये एक ही वाकया नहीं कई हदीसें जिससे ये पता चलता है कि साहबा का निकाह मदीने में ही निकाह हो रहा है निकाह हो चुका है और अल्लाह के रसूल वसल्लम को पता भी नहीं क्या आप तस्वर कर सकते हैं आज के दौर में हम सादगी की बातें करते हैं निकाह हमें सादगी के लिए रस्म रिवाज से दूर होने के तकरीरें करते हैं लेकिन क्या वाकई हमारी जिंदगियों में भी ऐसी चीज है कई कई सौ किलोमीटर का सफर करके लोग दूसरों की शादियों में सिर्फ शादी में शिरकत के लिए चले और लोग दावतें भी देते हैं और ये शिरकत करने के लिए चले भी जाते हैं दावत देने वालों को भी ख्याल नहीं रहता और दावत कबूल करने वालों को भी ख्याल नहीं रहता कि इन सब से मसला क्या हो रहा है मसला ये हो रहा है कि निकाह की वो सादगी खत्म हो जा रही है आज तो सूरत हाल यहाँ तक है कि सिर्फ निकाह के लिए कि निकाह ये पढ़ाएंगे बोला आदमी पढ़ाएंगे कई जो है कई सौ किलोमीटर दूर से बुलाया भी जाता है बल्कि कभी कभी हजार भी कह लीजिए बल्कि कभी आज के जबान में जो कहते हैं कि सात समंदर पार से भी किसी को बुला लिया जाता है सारा खर्चा बर्दाश्त करके कि हमारा निकाह पढ़ा दे जितना खर्चा उस निकाह पढ़ाने वाले को दिया जाता है उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है उसमें न जाने कितने गरीबों और मिस्किनों की शादियां हो सकती और होते हैं ये लोग कौन मंबर मेहराब की जीनत बनने वाले ओलमा जिन्हें ये तो एहसास है कि हम कौम के लीडर हैं जब कोई बात होती है तो कहते हैं कि अलाइमाओम असल लीडर कौन है लीडर है उनको लीडर होना उनको आगे बढ़ाना उनके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं कर और जहां अमल का मसला आता है तो अमल की दुनिया में इतने कोरे हैं कि उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि हमारे इस सफ़र की वजह से दावत देने वाले के ऊपर खर्चे का बोझ कितना पड़ता है अगर वो बहुत मालदार है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो क्या ये नहीं सोचते कि हम लोगों के लिए एक नमूना है एक खुदवा है हमें उस नमूने को लोगों के लिए सेट करना होता है हम कहें नहीं भाई इतना आप जो है हमारे ऊपर खर्च करेंगे हम आएंगे आप ऐसा कर लीजिए अब निकाह तो कोई भी पढ़ा सकता है क्या अल्लाह के रसूल से बढ़ करके भी कोई हो सकता है मेरे वायु जिसकी दुआ आप जिसको दुआ दे दे निकाह में दुआई के अलावा और क्या सोच सकते हैं आप कि फुला निकाह पड़ेगा उसकी दुआ शायद आसमान जो है तक पहुंच जाएगी आसानी से इसके अलावा और क्या सोच हो सकती है इसके अंदर यही तो हो सकती है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुस्तजाबु दुआ दावत थे ना आपकी दुआएं तो कबूल न होती थी लेकिन इसके बावजूद भी साहबा ने मदीने में रहते बिल्कुल करीब जो है कहीं कोई न सफ़र का मसला न किसी खर्चे का कोई मसला बस ये है कि आपको दावत दे और आप हाजिर हो जाए निका पढ़ा दें कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी साहबा ने कभी इसका कोई एहतमाम नहीं किया तो ये चीज़ें इन वलमा को समझने की जो लोग इस तरह के से सफर कर करके जाते हैं और अब जो भी है आगे की चीज़ आप समझ सकते हैं उसको बहुत ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं क्यों नहीं ये लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते एक नमूना सेट करते कि सादगी इसको कहते हैं शादियां ऐसी होती और बताएं जो है दावत देने वालों को कि नहीं साहब आप जो है अपने यहाँ किसी दें। वो निकाह पढ़ा देगा उसके लिए आप हमको इतनी दूर से जाने की क्या जरूरत और सिर्फ अपना सारा काम छोड़ के जाते हैं मेरे भाई सफर कर जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए और अपनी सारी ड्यूटियाँ सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी अमानते जो होती हैं ड्यूटियों के ताल्लुक से उसमें ख्यानतें तक जो है मेरे भाइयों वो सारी चीजें हो जाती हैं और बड़े शौक से जाते हैं बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं ये सुनता हूँ और ये देखता हूँ और जब ये हदीसें पढ़ते हैं तआला रजील क्या कहते हैं कि मैंने शादी कर दी अल्लाह के वसल्लम ने कहा कि विकन अम सै ये निकाह मसाइल तो में चीजें आपके सामने आ चुकी है विक्र नाम सैबा बा से शादी किया या सैबा से शादी किया यानी किसी ऐसी लड़की से शादी किया है जिसका ये पहला निकाह था इससे पहले उसकी शादी नहीं हुई थी या एक ऐसी लड़की से जिसका पहले निकाह हो चुका था तलाक़ या खुला हो चुका हो या शोहर का इंतकाल हो चुका हो जिसकी वजह से उसे सैबा कहा जाता है अरबी जबान में यानी सेकंड मैरिज भी हो सकती है थर्ड भी हो सकती है मैं इसलिए सेकंड मैरिज नहीं कहा आपसे क्योंकि वो सेकंड ही होना कोई ज़रूरी नहीं थर्ड और फोर्थ भी हो सकती है और उस ज़माने में ये चीज़ें बड़ी कसरत से होती थी कि किसी भी औरत से शादी करने के वक्त में ये बहुत कम देखा जाता था कि इससे पहले कितनी मतलब शादियां होती है जैसे आजकल देखा जाता है तो वो नहीं बस बाकिरा से किया है या सैयबा से किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि तयबा से किया है यानी आज के जबान में ये फ्रेश और जो है वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मैंने जानबूझ करके वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया एक लड़की एक औरत चाहे वो बाकिरा हो चाहे सैबा हो उसके लिए इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जबानों के फर्क में शायद लोगों को समझाने के लिए कोई इस्तेमाल कर ले, लेकिन करना नहीं चाहिए इसी तरह से बाज लोगों को हमने सुना और तो बाद बहुत मजे लेकर के इस तरह की बातें करते हैं और मिसालें देकर के समझाते हैं तो कहते हैं कि फर्स्ट हैंड है या सेकेंड हैंड है ना? ये इस तरह की ताबीर एक इंसान के लिए आप कोई सवारी खरीद रहे हैं फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड गाड़ियों के बारे में आप इस्तेमाल कर रहे हो कोई सामान खरीद रहे हैं उसके बारे में आप कहें फर्स्ट हैंड है सेकंड हैंड है वो अलग बात है लेकिन कुछ चीजें हैं और कुछ जो है जबान की लताफतें होती है तहजीब के तकाजे होते हैं उनका ख्याल भी करना होता है एक औरत के जज्बात को भी देखना होता है इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ये बेजान चीज नहीं है कोई गाड़ी नहीं है बेजान चीज नहीं है कि आप उसके लिए फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें या तो हदीस के अंदर जो अल्फाज है वही इस्तेमाल करो ना भाई बाकिरा कहते थे सैबा कहते थे वो लफ्ज इस्तेमाल करो उनको भी शायद जो है उनके जज्बात की कदर भी होगी औरतों के उनको भी ये ख्याल भी रहेगा कि देखो हमको जो है तयबा कहा है कभी बाज मरतों क्या होता है माना वही होता है लेकिन मुहदसिन ने इसका बड़ा ख्याल किया हम देखेंगे तो मुहदसिन ने इसका बड़ा ख्याल किया है अल्फाज के इस्तेमाल पे एक लफ्ज होता है अल्फाज के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ तदलीस कहते हैं उनसे मुहदसिन की असतलाह में वो समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फिर मेरे लिए आपको इस वक्त क्योंकि हमारा कुछ मौजूद अलग ही है और ये अलग हो जाएगा सिर्फ अल्फाज के इस्तेमाल की, की बात कर रहा हूँ मैं और एक होता है को मुरसल कहते हैं मुहदसिन की असतलाह में हदीस की ये सब जो है अलग अलग जो है किस्में होती हैं उसकी शक्लें होती है तो सेम वही चीज़ अगर जो है वही अमल होता है गैर सहाबी से उसका ताल्लुक होता है ना तो उसको महदसिन तदलीस कहते हैं और वही चीज़ सहाबी से ताल्लुक रखती है तो उसको इरसाल का नाम देते हैं तदलीस का नाम नहीं देते हालांकि चीज़ होती वही है वो क्या है ये सीखने की जरूरत है बहदसिन से कि हमें अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए भी सामने वाले की शख्सियत और उसके जज्बात को भी सामने रखना चाहिए सिर्फ माना नहीं देखना चाहिए कि भाई माना तो एक ही है ना वही ना माना इसके अंदर नहीं सिर्फ वही नहीं देखना चाहिए तो हमें ख़वात के जज्बात का लिहाज भी रखना चाहिए और बाह और से ये बा की इस तरह से डेफिनेशन या इस तरह का जो है जो है कि अल्फाज इस्तेमाल करना कि फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड या जो है फ्रेशर नॉन फ्रेशर जो इस तरह की जो है चीजें जो इस्तेमाल करते उसे बचना चाहिए तो कहा कि जो है सैबा से शादी की है अल्लाह के रसूल ने कहा कि फहल्ला बिकरम तो लाई बोकवा तो लाई बोहा बाद रिवायतों में तुदाई बोकव तुदाई बोहा और भी जो है अल्फाज है लेकिन सबका क्या है एक ही ये है कि तुमने बाकिरा से क्यों नहीं किया इनकी उम्र अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी वो जहन में रखिएगा और इनके वालि शहीद हो गए थे और ऐसे हालात में कभी इंसान को जल्दी शादी भी करनी पड़ती है घर में किसी एक ऐसे खातून की जरूरत भी होती है जो घर के हालात को समझ सके और घर के हालात को संभाल सके और सही से तरबियत भी कर सके तो इस मौके पर लोग क्या करते हैं शादी भी कर लेते हैं जाहिर शादी की उम्र पहले से हो चुकी होती है लेकिन कभी किसी और मसलहत की वजह से आदमी डिले भी कर लेता है लेकिन जब इस तरह का सामना होता है तो जल्दी फिर कर लेता है तो इन्होंने शादी कर ली और सैबा से शादी की बाकिरा से नहीं की थी तो अल्लाह के रसूल कहा कि तुमने बा से शादी क्यों नहीं की आपस में खेलते ये नौमरी का मसला होता है यानी जब उम्र कम होती है तो शादी के बाद शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ जो खेलते हैं और एक दूसरे के साथ जो उनका लगाव होता है उनकी कम सीनी की वजह से कम उम्री की वजह से जो उनके दरमियान ये चीज़ें होती हैं जो इस इज्जवा ताल्लुक की चीज़ें होती हैं जिसको अल्लाह के रसुल्लम ने मदाबा और मोलाबा के लफ्ज से याद किया है आपने कोई एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया होगा ये रावियों ने बयान किया है तो उसको रिवायत अरबी में इसे कहते हैं महदसिन के यहाँ तो उसी माने को जो है मुख्तलफ अल्फाज साहबा ने बयान किया है या उनके सहाबा के बाद के रूआ ने बयान किया है जिसका सबका खुलासा ये है कि आपस में दिल लगियाँ ज्यादा होती है जब बारा होते हैं जब नई नई शादी होती है और जब पहली शादी होती है तो उस वक्त अलग ही तरह का कुछ जो है एहसास रहता है और एक दूसरे के साथ वो मिलने का और उनके साथ जो खेलने का है वो अंदाज़ कुछ और होता है जो लोग भी शादीशुदा हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे और जो नहीं है उन्हें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए उसके बाद उनको भी ये मसला समझ में आ जाएगा अल्लाह के ने बात जो है जिक्र की तो उन्होंने अब उसके बाद ये वजह बताई कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ वही गजब उहद के मौके पर शहीद हुए थे तो मेरी छोटी छोटी बहनें यानी आप जो है आप उनके वालिद इंतकाल कर गए तो बहनें भी थीं इनकी जो है बहनें यानी इनके वालिद की बेटियां ये भी थे और इन्होंने सारी ज़िम्मेदारी उठाई बाप के बाद और उस जिम्मेदारी के साथ साथ बहनों की जिम्मेदारी भी उठाई तो कहा कि मेरी ख्वाहिश ये हुई कि मैं किसी कम उम्र लड़की से शादी करके अपनी बहनों की उम्र की जो है किसी औरत को ला करके घर में रख करके कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब आपस में बैठ करके खेलना शुरू कर दें घर के अंदर और उम्र का भी तरबियत में उम्र का भी अपना एक जो है असर होता है याद रखिएगा इसको इससे ये बात भी समझ में आती है इसीलिए कहते हैं कि जो टीचिंग होती है ना टीचर भी जब वो बहुत कम उम्र का रहेगा ना तो वो चीज़ ओ संजीदगी जो एक उम्र वाले टीचर के साथ जो चीज जुड़ी हुई होती है तरबियत के मामले में ये बातें कह रहा हूँ वो चीज़ कम होती है तो एक ही उम्र के रहेंगे तो क्या होगा खेल कूद होगा खेल तमाशे होंगे आपस में हंसी मजाक भी चलेगा सब कुछ होता रहेगा तो अल्लाह के रसूल सलम से उन्होंने कहा कि मैंने ये चाह कि मैं ज्यादा उम्र की औरत को घर में लेके आऊँ जो इन बच्चियों की तरबियत कर सके कोई ऐसी लड़की जिसे खुद अभी तजर्बे की जरूरत हो वो बच्चियों की तरबियत हमारी बहनों की तरबियत क्या करेगी वो सब चीजें सीखने की हैं उस हदीस से अल्लाह के रसूल वाकई जो है जाहिर सी बात है कि एक शख्स जिसके ख्यालात ये हो उसको शाबाशी देनी तो बनती है उसके बाद अल्लाह के रसूल वसल्लम ये घर पहुंचते हैं घर पहुँच करके ऊँट लेकर के जाते हैं अल्लाह के रसूल के हवाले करते हैं और हवाले करके अल्लाह के रसूल कीमत उनको अदा करने के लिए कहते हैं कीमत भी रास्ते में नहीं अदा की गई थी मदीना पहुंचने के बाद ही कीमत अदा करने के लिए कहते हैं और कीमत अदा करने के साथ साथ जैसे ही वो कीमत लेकर के जाते हैं अल्लाह के रसूल ने थोड़ा ज्यादा ही देने के लिए कहा था कीमत में भी तो सही में वो सब अल्फाज हैं उस जो है जो ज्यादा दिया था आपने उसको तो हमेशा वो संभाल के रखते थे जाबिर रबील के ये एक तरह से याद रहे कि अल्लाह के रसूल ने ये जो है मुझे दिया था या देने का हुक्म दिया था उसके बाद जब इन्हें हाथ में कीमत लेके निकलते हैं पलटते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम इन्हें आवाज देते हैं कहते हैं कि जाबिर क्या समझते हो कि मैंने तुमसे ऊंट खरीदा है इस्तेमाल करने के लिए ऐसा नहीं है ऊंट की रस्सी भी हवाले कर दी अपना ऊंट भी लो कीमत भी ले लो कीमत तो चूंकि बेच दिया है वो कीमत अदा हो गई अब ऊट उनको हदीये के तौर पर दिया अल्लाह के रसूल वसल्लम और मदद करने का ये अंदाज़ आपने अपनाया और इस तरीके से अपने इस सहाबी की आपने मदद फरमाई हदीसी को बयान करने में हालांकि मैं पूरी शरह नहीं कर सका हदीस की लेकिन फिर भी जो है हदीस को बयान करने में ही इधर वक्त लग गया और आज का टाइम भी खत्म हो गया जो मसला था आज का जो लेन देन से मुतल मसला है जिसको इस हदीस की रोशनी में पेश करना है वो मसले की वो पूरी वजाहत अभी नहीं हो सकी है एक हफ्ते का इंतज़ार कर लीजिए आज चूंकि वक्त हो चुका है अजान की आवाज़ आ रही है मेरे कानों में पड़ रही है इसलिए मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आपके जहन में कोई सवाल हो तो सवाल कर लीजिए जो सवाल हो उसको आइंदा हफ्ते के लिए रख लीजिए इन शाह हम आइंदा हफ्ते फिर आपसे इसी जो है दिन यानी हफ्ते को हम मगरब बाद आपसे मिलेंगे तब तक, तक के लिए आपसे रुखसती चाहते हैं असलकम वर्क सुबह नकल्लाबल अस्तक फिर रुकातूँ